मेरा इम्प्रेशन झलक का कुछ अलग था. मुझे लगा यू नो सब डांसर्स आते हैं उस पर, जो भी एक्ट्रेसेस भी जाते हैं वो सब डांसर्स हैं, बट आई एम नॉट अ डांसर. सो आई वाज लाइक ये मुझे क्यों बुला रहे हैं, लाइक टू मीट द टीम एंड ऑल. आप काफी प्राउडली ये कहती है दैट यू नो योर सिस्टर काजोल एंड अजय सर आर द स्टार्स एंड यू नो आप अब तक उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाई है. क्या किसी ने आपको ऐसा कम महसूस कराया है कभी? सो व्हेन आई वेंट ऑन स्टेज फॉर द 2.5 मिनट्स माय फर्स्ट आई हैड टू लिटरली लाइक होल्ड माय सेल्फ एंड से टू माय सेल्फ कि नो तुम ये कर सकती हो. सो ये दिवाली झलक वाली डोंट फॉरगेट टू वॉच अस ऑन द 11th एट 9:30 PM सैटरडे संडे. Be there. Hi, this is Tanisha Mukherjee and you're watching India Forums. Welcome in Janta's favorite, Tanisha Mukherjee in conversation with me in India Forums. Tanisha, firstly, I would want to ask you, after a long break, fans were anticipating to see you on the screens. Kaisa lag raha hai with Jhalak? What was the deciding factor that you decided to do this? Honestly, mujhe pata bhi nahi ki kya deciding factor tha. It was just मुझे कॉल आया कि जाओ मिलो टीम से और मैंने कहा कि मैं लेकिन मैं प्रोफेशनल डांसर नहीं हूँ यू नो एंड आई थॉट मेरा इम्प्रेशन झलक का कुछ अलग था. मुझे लगा यू नो सब डांसर्स आते हैं उस पर, जो भी एक्ट्रेसेस भी जाते हैं वो सब डांसर्स हैं, बट आई एम नॉट अ डांसर. सो आई वाज लाइक ये मुझे क्यों बुला रहे हैं, लाइक टू मीट द टीम एंड ऑल. तो ऑनेस्टली आई वॉज अ लिटिल वेरी कन्फ्यूज, लेकिन मेरे अंदर वो डिज़ायर है कि मैं डांस सीखूँ और मैं एक डांसर बनूं. सो ये मेरी इच्छा है कि आई होप दैट आफ्टर झलक आई बिकम अ डांसर, दैट आई एम यू नो आई कम आउट ऑफ झलक एज अ डांसर. वेल हाउ वुड तनिषा डिस्क्राइब हर इक्वेशन विद डांस और एनी चाइल्डहुड मेमोरी दैट यू वांट टू शेयर विद अस? ओह माय इक्वेशन विद डांस इज दैट व्हेनेवर आई आस्क फॉर डांस क्लासेस आई नेवर गॉट देम. मैं जब भी मम्मी को बोलती थी मुझे डांस क्लास में जाना है, मम्मी कहती थी नहीं नहीं नेक्स्ट ईयर वो टालती रहती थी, क्योंकि यू नो ऑनेस्टली काजल एक क्लास शुरू करती थी और उसको छोड़ देती थी. सो इट वॉज लाइक यू विल ऑल्सो बी द सेम, यू विल नेवर कम्प्लीट योर क्लासेस. सो आई ऑल्सो गॉट दिस थिंग वी जस्ट नेवर लैंड अप डूइंग डांस. सो माई इक्वेशन विद डांस इज दैट आई नेवर गॉट क्लासेस, सो आई ऑलवेज जस्ट बिन दिस लाइक हैप्पी यू नो फन डांसर जो भी मूव टू द रिदम, बट नॉट लाइक अ प्रॉपर यू नो डांसर. जी वेल तनिषा प्रोमो में हमने ये देखा कि आप काफ़ी प्राउडली ये कहती है दैट यू नो योर सिस्टर काजोल एंड अजय सर आर द स्टार्स एंड यू नो आप अब तक उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाई है. हम आपसे जानना चाहते हैं दैट वी फील वी लव द तनिषा दैट वी सी, सो व्हाट मेड यू से दैट और यू नो क्या किसी ने आपको ऐसा कम महसूस कराया है कभी? नहीं यू नो ऑनेस्टली एक आपको एक समझ एक चीज समझना चाहिए इज दैट व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ अ स्टार. And मेरे family में my definition of a star is that is correct. You know जो जिसने इतना I mean अजय ने I don't know how many films किए हैं, काजल ने कितने films किए हैं, उन्होंने कितने सालों से काम किया है and I've not reached those levels you know, so for me that is और उन्होंने इतना प्यार कमाया है, goodwill कमाया है, उन्होंने just they've really like you know crossed a lot of boundaries. And for me, वो मेरा definition है. भी कोई सुबह उठ के भी बोल सकता है कि I'm a star. Everybody has the right to be a star. But for me, मेरा definition इतना high है कि मुझे जैसे मैंने कहा वो मुकाम तक नहीं पहुंच पाई. तो मेरे अंदर वो अब तक वो feeling नहीं आई है कि you know शायद after झलक इतना काम करने के बाद maybe you know you never know. Also Tanisha, how would you like to describe to our fans the first time that you stepped on the stage or your first performance? Oh my God, बहुत scary था क्योंकि फिल्मों में ना हम shot लेते हैं and कभी एक ढाई मिनट का गाना complete without mistakes मैंने कभी ये performance नहीं किया है like complete क्योंकि मैंने कभी stage performances भी नहीं किए थे. As I said, I never thought of myself as a dancer. So even in my films, ज़्यादा मैंने film भी नहीं की है जहाँ मैंने गाना गा के नाचा है, you know that kind of thing. So when I went on stage for the 2.5 minutes, my first, I had to literally like hold myself and say to myself कि no, तुम ये कर सकती हो, तुम्हें करना है, तुम ये कर सकती हो, तुम्हें करना है, तुम ये कर सकती हो. That was my mantra in my mind and फिर मैंने जाके जस्ट मैंने जो किया वो किया. अभी यू नो लाइक आप देखेंगे मुझे पता भी नहीं. एंड वी आर वेरी श्योर दैट यू मस्ट हैव नेल्ड इट. लास्टली जनता ये जानती है दैट गौहर एंड यू वर लास्ट इन रियलिटी शो, जहाँ पे आप अच्छे टर्म्स पे नहीं थे. नाउ इतने साल बाद आप वापस एक रियलिटी शो में आए हैं, हाउ इज दैट इक्वेशन?
आई थिंक इट्स ग्रेट. एंड ऑनेस्टली जो रियलिटी शो पे हम थे दैट वाज आल्सो अ लॉट ऑफ इट वाज क्रिएटेड यू नो. तो हम पर्सनली हमारा कभी कोई इशू नहीं रहा है एंड वी आर एक्चुअली ग्रेट एंड इट्स अ वेरी डिफरेंट शो सोनी. सो वेल दैट्स ऑल दैट आई हैड इन स्टोर फॉर यू तनीषा. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट फॉर झलक तनीषा.